चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में है और हमारे साथ इस इंस्टीट्यूट के सीएमडी हैं, यानी मालिक है। और यहाँ पे एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है 5 सितंबर के अवसर पर। यहाँ पे इस कैंपस में एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, वो लक्ष्य क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तमाम जो जितने भी बच्चे हैं, इन बच्चों के हाथ में पेड़ है और यह पेड़ 5 सितंबर के अवसर पर इस कैंपस में लगाया जा रहा है। सर, सबसे पहले 5 सितंबर के अवसर पर जो आपने एक लक्ष्य शुरू किया है, क्या लक्ष्य क्या है? लक्ष्य हमारा 2000 पेड़ लगाने का, जो पर्यावरण के लिए एक बचाव में अच्छा कदम है, जिससे कि हमारे जो एरिया है इसमें पेड़ पौधे और हों और पर्यावरण के हिसाब से ये सुविधाजनक हो सभी के लिए। इसीलिए 2000 पेड़ हम लोग लगवा रहे हैं इसमें। लास्ट ईयर हम लोग 400 लगवाए थे और इस बार हम लोग 1000 पेड़ लेके आज कल से लगा रहे हैं ये कंटिन्यूसली। कब तक ये योजना सफल हो जाएगा सर, कब तक पूर्ण कर पाएंगे ये 2000? तो अभी हम लोग पूरा कर रहे हैं, अब फिर नेक्स्ट ईयर के टारगेट हम लोग करेंगे। अभी हम लोग 2000 पूरा कर रहे हैं 2024 में। इससे समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये देना चाहते हैं कि जितने बच्चे जिनको भी हो रहा है, वो सभी लोग अपने बच्चे के अनुसार एक एक पेड़ लगाएं, अपने हाथों से लगाएं और बच्चे से भी लगवाएं कि पता चले कि हमारे पिताजी के द्वारा लगाया गया था, हमारे दादाजी के द्वारा लगाया गया था और ये पेड़ हमारे द्वारा लगाया गया था जो फल फूल के इतना बड़ा हुआ है। यही मेरी संदेश है, सभी लोगों से अपील है कि सभी लोग एक पेड़, जितने बच्चे हैं अपने घर में, वो सभी के हाथ से एक एक पेड़ लगवाएं। पेड़ लगाएं, पर्यावरण बचाएं। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्कूल के कैंपस में हैं और यहाँ पे पेड़ लगाएं, पर्यावरण बचाएं। और यहाँ पे बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, इनसे ही बात करेंगे कि पेड़ लगाने से क्या, आप लोग क्या समझते हैं पेड़ लगाने का उद्देश्य क्या है बाबू? पेड़ लगाने से क्या फ़ायदा होगा? परिवर्तन मिलेगा। परिवर्तन मिलेगा, यस। और क्या कुछ हो सकता है पेड़ लगाने से? बहुत फायदा है, बहुत। पेड़ लगाने से पर्यावरण सुरक्षित होगा, जितनी दूषित हवाएं हैं सबको शुद्ध करने का एक जरिया है। और पेड़ लगाने से क्या कुछ होता है, इस इंस्टीट्यूट के कुछ शिक्षक लोग हैं, इनके हाथ में भी पेड़ है। सर, पेड़ लगाने से, पेड़ लगाने का उद्देश्य क्या है? पेड़ लगाने से हमारा वायुमंडल शुद्ध होता है। पेड़ जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है, जिसे हमारा वायुमंडल क्या होता है, शुद्ध होता है, जिसे हम और हम लोग क्या करते हैं, इंसान जो होता है वह ऑक्सीजन लेता है। तो इसका इफेक्ट हम इंसानों पर पड़ता है कि जो पर्यावरण हम लग जो पेड़ पौधे हम लगाते हैं वह पर्यावरण को शुद्ध करता है और वह शुद्ध हम लोग अपने यूज में करते हैं, अपने उपयोग में करते हैं, जो हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। तो स्वास्थ्य के लिए जरूरी है पेड़, और पेड़ जो है वायुमंडल यानी पर्यावरण के लिए भी जरूरी है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में है और इस इंस्टीट्यूट के तरफ से एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, यहाँ पे 2000 जो है पेड़ लगाना है। और इस स्कूल के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने बताया है कि इस लक्ष्य को बहुत जल्द पूरा किया जाएगा। पिछले साल जो है 400 पेड़ लगाया गया था इस कैंपस में और इस वर्ष जो है 5 सितंबर के अवसर पे 2000 जो पेड़ लगाना है वो जल्द ही पूरा होगा। आप बने रहिए और देखते रहिए हमारे फेसबुक, यूट्यूब और जितने ट्विटर, इंस्टाग्राम, अगर जहाँ से हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और वातावरण के लिए एक पेड़ ज़रूर लगाइए।